अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 363 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ईजिली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। जी स्टूडेंट्स, हम लोग 363 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानब आ चुके हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों को बताते चलूं, 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से पासिंग मार्क्स 50 हैं। और इसके अलावा इन क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग अपनी पास्ट असाइनमेंट को भी लाजमी प्रिपेयर किया कीजिए, क्योंकि मोस्टली उसमें से भी 3 या 4 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानब। सबसे पहले दर्जा ज़ैल पर खत लिखें। यहाँ पे कुछ लेटर दिए गए हैं, अपने दोस्त के नाम खत लिखें, जिसमें इसे अपने मौजूदा इम्तिहान का हाल तहरीर करें। और नेक्स्ट लेटर है अपने दोस्त के नाम खत, जिसमें इसे छुट्टियों में अपने पास आने की दावत दें। और इसके अलावा नेक्स्ट लेटर कौन सा है, आपके कॉलेज में 14 अगस्त के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हो रही है, मेहमानों को मुदा के लिए एक रस्मी खत लिखें। ये हमारे लेटर हो गए हैं इम्पोर्टेंट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, योम इकबाल की तकरीब की रवादाद लिखें। और इसके अलावा किसी तकरीब के आंखों देखा हाल की रवादाद लिखें। और क्वेश्चन नंबर 3 है, मदरजा ज़ैल पर मकालमा लिखें। एक मकालमे में आ रहे हैं, दो दोस्तों के दरमियान तलीम के मौजू पर मकालमा लिखना है। इसके अलावा दो दोस्तों के दरमियान खेल की अहमियत पर लिखना है। इसके अलावा लोड शूटिंग के मौजू पर दो दोस्तों के दरमियान मकालमा लिखें। और इसके अलावा डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मकालमा लिखें। और ये तो हमारे मकालमे हो चुके हैं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मदरजा ज़ैल की तारीफ करें और मसाले भी दें। इनमें कौन से इम्पोर्टेंट जो उनसे पॉइंट हैं, एक हरूफ रतब, तशबिया, कनाइया, मजाज मरसल, अस्तारा और अरकान अस्तारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें उन्होंने पूछा है दर्जा ज़ैल अज़ाफ की वजाहत करें। इनमें है कसीदा, गज़ल, नात, रुबाई, अमदादी फाल, मरसिया, फिता, रवादाद नवीसी, मसनूई। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें किसी एक नज़म का खुलासा लिखें। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो उनसे हैं खुलासे वो बताए जा रहे हैं, अंजाम स्टोरी, इसके अलावा आदमी, एक सुबह का मंजर, एक हज़रत फातमा, तुलजोहरा का जहेज़ और खरा डिनर। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक सबक का खुलासा लिखें। इसमें गुलामी एक लानत, तलीमे बालगा, इसके अलावा आंगन, एक फसाना आज़ाद। और नेक्स्ट है ये परी चेहरा लोग। ये इम्पोर्टेंट खुलासे हैं, इनको लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, सियाको सबाक के हवाले से मदरजा ज़ैल में से 2 की तशरीह करनी है। ये आपने अपने बुक में जितनी भी तशरीह वगैरह हैं, ये आपने लाजमी कर लेनी है बुक में से, ये कोई सा भी आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 में मुख्तसर जवाब बात दें, ठीक है। इनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में है, सनत लफ व नशर की वजाहत करें, बादशाह अकबर की बेजारदारी से क्या नुकसान हुआ। और इसके अलावा उर्दू का पहला नावल कब और किसने लिखा। और इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी और कम पड़ते हुए मसाइल का हल क्या है। और इसके अलावा गालिब की मकतीब की 3 खसूसियत तहरीर करें। और इसके अलावा नावल आंगन का मौजू क्या है। इसके अलावा तशबिया से क्या मुराद है। इसके अलावा मामन फाल की तहरीफ करें। इसके अलावा मुशब्बा बा किसे कहते हैं। और इसके अलावा मकातीब नगारी के मुख्तलिफ अकसाम लिखें। और नेक्स्ट है मकातीब के 5 मजमुआ के नाम लिखें। और नेक्स्ट है, बड़े चचा ने छम्मी को मुस्लिम लीग का इजलास क्यों नहीं देखने दिया। नेक्स्ट है, रबाई से क्या मुराद है।
इसके अलावा है लोक कहानी से क्या मुराद है, और नेक्स्ट है किस शायर को अवामी शायर कहा जाता है, और नेक्स्ट है हुसने मुतल्ला से क्या मुराद है, और नेक्स्ट है गज़ल के इस्तलाही मैनी क्या है, और सर सैयद और मोहम्मद हसैन आज़ाद के सफ़रनामों के नाम बताएं, और लास्ट शार्ट क्वेश्चन में है गुलामी के बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमान है, और लास्ट 10 वाला क्वेश्चन जो सा है कोई से 5 अशार की तशरीह अपनी किताब से करें, यानी कि अशार वाला जो सा क्वेश्चन आपने पूरी बुक में से किसी भी स्टोरी में से आ सकते हैं, किसी भी नज़म या गज़ल ये लाजमी आप लोगों ने करने हैं अपने बुक से, बाकी ये चीज़ें आप लोग कर लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ईजिली हासिल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।